हम कह सकते हैं कि राज्य की सरकार आज भी जिस प्रकार की खतियानी यात्रा लेकर निकली है उसका भी हर्ष इसी प्रकार का होगा, क्योंकि 2000 में इसे न्यायालय ने अवैध घोषित किया था। इसलिए जनता को दिभ्रमित करने का काम राज्य की सरकार और हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी ना करे। झारखंड की जनता इनके नापाक इरादों को समझ चुकी है और उनकी यात्रा के बारे में क्या मैं चर्चा करूं। गढ़वा से शुरू हुआ, गढ़वा में उनकी विदाई यात्रा, जहां जा रहे हैं वहां पर उनकी विदाई यात्रा हो रही है और जनता पूछ रही है कि आपने घोषणा पत्र में कहा था नौजवानों को रोजगार देने का और प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? नौकरी नहीं देंगे तो हम 5 और 7 हजार रुपए का भत्ता देंगे, क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? आप सबको जानते हैं कि जिस प्रकार से पिछली सरकार रघुवर दास की सरकार के समय में जो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां हुई थी उसको भी छीनने का काम रहा था। अरे इसी तरह से जेपीएससी के बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन आप सब कोई जानते हैं कि जेपीएससी को अगर किसी ने कलंकित करने का काम किया तो किया, भाषाओं के नाम पर युवाओं को लड़ाने का काम किया। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के, और मैं तो ये कहता हूं कि झारखंड के सभी जनता का जन विरोधी सरकार, यह जन विरोधी सरकार जिन्होंने नौजवानों को ठगने का काम किया। और इसलिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। आप सब जानते हैं कि हाल के दिनों में गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा हमारे जनप्रतिनिधि वहां निर्वाचित हुए हैं, गांव से इनका सफाया हो चुका है। और तो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इलीगल माइनिंग, ऐसे कई विषयों पर, विकास की शून्यता के सवाल पर हम लोगों ने प्रखंड में कार्यक्रम किए। सभी सरकारी प्रखंड 213 है ना, 263 प्रखंड, सभी 263 प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार, जीवंत, धारदार जन आक्रोश प्रदर्शन किया, जिस पर हमारी संख्या 223,696 लोग थे और इसी प्रकार से सभी सरकारी 24 जिले में इसी प्रकार की जन भागीदारी हुई, जन आक्रोश उभर करके सामने सतही तर पर आया है। इसलिए आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जब ये 3 वर्ष का वर्षगांठ मनाएंगे तो पोल खोल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मनाने का काम करेगी। पोल खोल, भंडा फोड़, पोल खोल, इस प्रकार के कार्य 3 वर्ष बेहाल झारखंड, ये कार्यक्रमों की रूपरेखा हम बनाएंगे। और साथ में आने वाले समय में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों की रचना हम सब करने वाले हैं। हम सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ करके जिला कमेटी के, जिला अध्यक्षों के साथ, जिला प्रभारियों के साथ मिलकर के आने वाले समय में
एक महासंग्राम करेंगे इस प्रदेश के अंदर जन समस्याओं को लेकर, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, महिलाओं के अनाचार के सवाल पर, आदिवासियों के अत्याचार के सवाल पर, दलितों के अत्याचार के सवाल पर, और साथ साथ सर्व समाज जो आज पीड़ित है उसके लिए एक ही आवाज, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा देते हुए हम सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस आह्वान के साथ हम कार्यक्रम को प्रारंभ करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।